देश भर में कोरोना का संकट एक बार फिर गहराता जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते देश में लगातार कोरोना के मामले अब काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं कई बड़ी हस्तियां भी कोरोना की चपेट में अब आ रहे हैं। आखिर कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो फिलहाल इस वक्त कोरोना की चपेट में है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। देश में एक बार फिर कोरोना ने तीसरी लहर के रूप में दस्तक दे दी है। अमेरिका के बाद भारत में कोरोना की तीसरी लहर का सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है, जो सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों की ही चिंताएं बढ़ा रहा है, क्योंकि बीते एक सप्ताह में रोजाना कोरोना के 1 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। इन सब के बीच कोरोना देश की बड़ी और जानी मानी हस्तियों को अपना निशाना बना रहा है। मौजूदा समय में देश की कई बड़ी हस्तियां हैं जो इस वक्त कोरोना की चपेट में हैं। देश की सियासी गलियारों में इन दिनों कोरोना का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। देश के कई सियासी हस्तियां इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। इन हस्तियों में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कई सियासी हस्तियां ऐसी भी हैं जिन्होंने हाल ही में कोरोना को मात दी है, जिनमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का नाम शामिल है। सियासी हस्तियों के अलावा बॉलीवुड सितारे भी इस बार कोरोना के निशाने पर है। बॉलीवुड हस्तियों में फिलहाल टेलीविजन क्वीन एकता कपूर, अभिनेत्री करीना कपूर खान और अभिनेता अर्जुन कपूर के अलावा नोरा फतेह और जॉन अब्राहम भी कोरोना की चपेट में हैं। इसके अलावा मशहूर गायक और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। लता मंगेशकर को फिलहाल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुल मिलाकर इस बार नामी हस्तियां एक के बाद एक कोरोना की चपेट में आ रही हैं। जानकारों की माने तो कोरोना की तीसरी, पहली और दूसरी लहर से भी अधिक खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में कोरोना के खतरे से विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।